पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ये सिर्फ प्राइम के हाथ लगने पर ही निकलेगा। हमें एक और आयाकॉन लोकेटर बीकन का सिग्नल मिला है, मैं जाता हूँ। स्मोक स्क्रीन ने उस व्हीकल को चुना है जिस पर बड़े बड़े 38 लिखे हुए हैं, जिससे उसे भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है। मुझे नहीं लगता जैक उसके साथ सुरक्षित है। स्टार सेबर है वो जबरदस्त हथियार जिसे सोलस प्राइम ने बनाया था। डिसेप्टिकॉन्स का अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मुझे एक संदेश मिल रहा है। किसका संदेश? अल्फा ट्रायन से। माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं आपकी समझदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज ऑटोबॉट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मुंह तोड़ जवाब? शायद तुमने देखा नहीं कि ऑप्टिमस प्राइम ने एक झटके में चट्टान के दो टुकड़े कर दिए। जब तक उसके पास स्टार सेबर है, मेरा दुश्मन हम सबको हंसते हंसते खत्म कर देगा। मुझे भी किसी तरह उतनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। हमारे पास भी तो पूर्वजों का शक्तिशाली रेलिक मौजूद है लॉर्ड मेगाट्रॉन। बिल्कुल, फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, लेकिन वो सिर्फ एक प्राइम के हाथ में ही काम करेगा। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे ऐसा ही हाथ चाहिए। ऑप्टिमस, अल्फा ट्रायन तुमसे क्या कह रहे हैं? काश मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुना पाता ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे डर है कि आयाकॉन डिसेप्टिकॉन के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने इस संदेश को जंग के दौरान तैयार किया था। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो मुझे तसल्ली है कि स्टार सेबर इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। मेरे ख्याल से तुम अब तक समझ गए होगे कि सारे साइबरट्रोनियन रेलिक्स और डिसेप्टिकॉन हथियार उस अनजान दुनिया पर कैसे आए। उन्हें मैंने ही वहां भेजा था ताकि मैं उन्हें मेगाट्रॉन के शैतानी हाथों से दूर रख सकूं। तुम्हें भी इस बात पर यकीन होगा कि प्राइम्स के रखवाले आने वाले कल और गुजरे कल का हिसाब एक किताब में रखते हैं। मैं उसे पूरी तरह तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितना कुछ भी समझा हूं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसके पन्नों में लिखा है कि तुम ऑप्टिमस प्राइम एक छोटी पर बड़ी अहम दुनिया पर जाओगे और वहां तुम डिसेप्टिकॉन्स के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखोगे। मुझे पता नहीं वो लड़ाई कितनी भयानक होगी या उसे कौन जीतेगा। बस उम्मीद करता हूं कि पूर्वजों के बनाए रेलिक्स मुश्किल के वक्त में ऑटोबॉट्स के काम आए। अब सबसे जरूरी बात, कुछ ही देर में मैं आखिरी रेलिक्स का पता तुम्हें भेजूंगा जो अब तक के रेलिक्स से सबसे अहम और सबसे ताकतवर होंगे। आराम से ऑप्टिमस। क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या संदेश भेजा है? हमें जान दांव पर लगाकर आखिरी पचे चार रेलिक्स को हासिल करना होगा, उन ओमेगा कीज को। कीज किस लिए? हमारे अपने प्लैनेट को दोबारा जिंदा करने के लिए। धरती के चांद पर तो कुछ भी नहीं है, है ना?
सही कहा ड्रेडविंग, लेकिन हम चांद पर नहीं जा रहे। एक स्पेस ब्रिज धरती पर। ऑटोबॉट्स को इसके ठिकाने का पता चल गया था, इसलिए मैंने इसकी जगह बदल दी। चांद के अंधेरे हिस्से में होने से इसे इंसान भी नहीं देख पाते, और ये ऑटोबॉट की पहुंच से भी बहुत दूर है। आओ ड्रेडविंग, गैलेक्सी में उस जगह चलते हैं जहां से हमें वो साधन मिल सकता है जिससे हम प्राइम को खत्म कर सकते हैं। सामान बांध लो, हम साइबरट्रॉन जाने वाले हैं। हमें यकीन करना पड़ेगा बम्बलबी, हम सब वहाँ लौट कर जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ। तेल में नहाना याद है? मैं तो अपने प्लैनेट पर पहुँचकर सबसे पहले वही करने वाली हूँ। ये खबर मीको को देनी है और जैक को। ऑप्टिमस, चाबियां दरवाजे खोलती हैं, क्या वो पूरे प्लैनेट में जान भी डाल सकती हैं? वैसे तो मैं ओमेगा कीज की असली ताकत से अनजान हूँ, लेकिन अल्फा ट्रायोन कई राज जानते थे, और हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज का मॉडर्न साइंस पहुंच भी नहीं सकता। हमारे प्लैनेट का हाल तो मुझसे देखा भी नहीं जाता, इस सब के जिम्मेदार वो ऑटोबॉट्स ही हैं। वो ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइबरट्रॉन को दोबारा बसाने के लिए हमें ओमेगा कीज की जरूरत है। इसका मतलब उसमें से एक भी मेगाट्रॉन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अल्फा ट्रायोन के दिए चार कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की जरूर मिलेगी। मैं उन्हें डिकोड ना कर लूं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा। हमारी अपनी दुनिया का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। एक कब्र। प्राइम्स की लाशों को इन्हीं में रखा जाता है। अब ये मत कहना कि तुम एक अंधविश्वासी हो। इस जगह को देखकर मेरे दबे जज्बात फिर उमड़ पड़े, मुझे अपने जुड़वा भाई की याद आ गई। फिर तो तुम्हें फौरन इसे खोलना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम स्काईक्वेक और बाकी शहीदों का बदला ले पाएंगे। ऐसा बंदोबस्त कर रहा हूं जिससे तुम इसे आसानी से अपने पास रख पाओ। अजीब बात है, पर दिल कर रहा है कि मैं वापस लौटूं ही नहीं। किसे पता था कि हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ जाएगी। हाँ, मैं मीको को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हमारे दोस्त यहाँ हैं और परिवार भी। हम उन्हें SMS भेजा करेंगे। सच कहूं तो मैं इतने अरसे से लड़ रहा हूँ कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तुम दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देना। पूर्वजों की बनाई चाबी से भले ही साइबरट्रॉन में जान आ जाए, लेकिन याद रखना कि बर्बाद हुए शहरों को हमें ही बनाना पड़ेगा। अभी से इतनी उम्मीदें लगाना ठीक नहीं। पहले तो ओमेगा कीज को ढूंढना है और रिसेप्टिकॉन से पहले उन्हें हासिल करना है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑप्टिमस प्राइम के पास अब स्टार सेबर है, मेगाट्रॉन तो अब गया समझो। जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन, पर क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की चाहत नहीं। मैं आपको बेहोश कर देता हूँ। नहीं, मैं इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। आपकी मर्जी। ऑटोबॉट्स, मैंने उन चार में से पहले कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया है। एक टीम वहां जाकर उसे हासिल करे ताकि उनके लौटने तक मैं दूसरे को भी डीकोड कर लूं। उस टीम में मैं हूं। कौन आएगा मेरे साथ? मैं आऊंगी। पहले आप सर। मैम,
कमांडर, ये जोड़ी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, आखिरकार प्राइम्स की ताकत मुझे मिल ही गई। कि यही कहीं है। लोकेटर बीकन का सिग्नल नहीं मिल रहा, इसका मतलब रेलिक कहीं दबा हुआ है, शायद वहां। फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम किसी भी रॉ मटेरियल से अपनी मनचाही चीज बना सकता है, और इस वक्त जो चीज बनाई जा रही है वो मेरे ख्याल से डार्क एनर्जॉन है। आरसी, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जैक को जानबूझकर खतरे में नहीं डाला, मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए थी। आगे से ध्यान रखूंगा। बात सिर्फ जैक की नहीं है, टीम प्राइम किसी को भी खोना नहीं चाहती, ना इंसान को ना ही ऑटोबॉट को। मैं पहले ही अपने दो पार्टनर्स खो चुकी हूँ, तुम्हारे साथ वही होता नहीं देखना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा, एलीट गार्ड्समैन का वादा है। रुको, तुमने दो पार्टनर्स खो दिए? तुमने अगले आयाकॉन कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है। बहुत अच्छे साउंड वेव। इंसानों ने हमारे रेलिक पर इतने पत्थर रखकर काम और मुश्किल कर दिया है। तस्वीर देखकर लगता है यही होना चाहिए। चलो इसे हटाने में मदद करो। उस जमाने के इंसानों को लगा होगा कि ये की ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है। एक तरह से वो गलत नहीं थे। वो रेलिक मुझे दो। हम दो, वो अकेला, आज तो एक गया। रैचेट, ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। इस बार आयाकॉन के खजाने से हमारे हाथ क्या लगा है? चाहूं तो अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मुझे संदेश भिजवाना है। ऑप्टिमस प्राइम से कहना अगर उसे ये रेलिक चाहिए तो खुद आकर ले जाए। और स्मोक स्क्रीन इस तरह गिरा मानो जैसे वो मिट्टी में मिल गया हो। बेचारा। आरसी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उसकी जगह पर तुम भी हो सकती थी। मैं तो कहता हूं कि चलकर अभी मेगाट्रॉन की धज्जियां उड़ा देते हैं। नहीं,
हम आज पहले ही एक ऑटोपॉट खो चुके हैं। मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। जो कुछ भी आरसी ने बताया उससे लगता है कि मेगाट्रॉन के पास भी स्टार सेबर जितना ताकतवर हथियार है, जिसका मतलब सिर्फ मैं ही उसके हाथों से ओमेगा की को ला सकता हूं। साइबरट्रॉन की किस्मत पूरी तरह उन्हीं की इस पर निर्भर है। मेगाट्रॉन इस बात से अनजान है। आओ और रेलिक ले जाओ, अगर हिम्मत है तो। ये सब क्या है मेगाट्रॉन? ये तुमने क्या किया? ये मेरे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है, जैसे कि फोर्ज ऑफ सोलर्स का इस्तेमाल करने में। मैंने सबसे पहले जो चीज बनाई वो बनी है यूनिक्रॉन के खून से। इसका नाम क्या रखूं? डार्क स्टार सेबर या फिर प्राइम का हत्यारा? हम दोनों को उतनी ताकत मिल ही गई जितनी ताकत ब्रह्मांड को बनाने वाले में होगी। मैं सिर्फ एक सिपाही हूं मेगाट्रॉन, और तुम अपने नापाक इरादों के गुलाम हो। मेरा डार्क स्टार सेबर एक ऑटोबॉट को खत्म कर चुका है, लेकिन इसकी प्यास बुझेगी एक प्राइम से। मैं आज यही सोचकर आया था रेलिक के साथ तुम्हारा सर भी लेकर जाऊंगा। तुम्हारा मतलब ये रेलिक? मैं इसे नहीं दूंगा। स्मोक स्क्रीन, वापस जाओ। Ratchet, ground bridge. नहीं, तुम चूक गए। भागो ऑप्टिमस, भागो। आयाकॉन के वो रेलिक्स तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस दुनिया को भी चीर सकता हूं। आ,
स्मोक स्क्रीन? हाँ, और पहली ओमेगा की भी। लेकिन कैसे? तुम तो मेरे सामने ही। मैं अपने साथ फेस शिफ्टर ले गया था। फिर से ले गए थे? मेरे बड़े काम आया, उस तलवार की ताकत ने तो मुझे पत्ते की तरह उड़ा दिया था। उसी के असर से फेस शिफ्टर एक्टिवेट हो गया होगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा कि ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। मैंने सही मौके का इंतजार किया और उसका फायदा उठाया। अच्छी चाल थी। तो मैं इसे रख लूं? वैसे भी ये हमेशा ही मेरे काम आता है। हाँ हाँ ठीक है। वाह, मेरा अपना हथियार। तुम्हें तो मिल गया, लेकिन ऑप्टिमस ने खो दिया। एक बार फिर अचानक बाजी पलट गई। भले ही ऑप्टिमस पूर्वजों से मिली ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक दिन के लिए ही कर पाए, लेकिन सबसे ताकतवर योद्धा बनने के लिए वो उसका मोहताज नहीं है।